नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। कुछ मेरे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया था कि अजंता इसमें कुछ डिजिट जो है वो शो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसको कैसे चेक करते हैं। तो आज का वीडियो जो है इसी पर है। अजंता क्लॉक वॉच में कुछ डिजिट, इसमें से कोई भी एक डिजिट कुछ काम कर रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, उसमें क्या समस्या होती है, उसको आज हम लोग देखें। तो आज के इस वीडियो में आपका मैं स्वागत करता हूँ दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वोल्टेज का मेजरमेंट आपको बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं डायोड, एक साइड वाइट कलर की, आप देख पा रहे होंगे ध्यान से, वाइट कलर की पट्टी है रिंग। ये वाइट कलर की रिंग जो है वो कैथोड होता है, यानी एन टाइप एन साइड होता है, और ये इधर जो ब्लैक है वो पी साइड होता है। तो रेड को हम क्या करेंगे, इस साइड रखेंगे, ठीक है, और इसको इस साइड। तो इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं डायोड। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है वो 9 वोल्ट की सप्लाई रहती है पूरे बोर्ड पर। तो 9 वोल्ट की जो सप्लाई है वो पूरे बोर्ड पे तो सप्लाई कर रहा है 9 वोल्ट, लेकिन आगे जाकर ये क्या है, कम होते जाता है, डिवाइड होते जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 220 वोल्ट एसी को ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, 9 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर देता है। 220 को कितने कन्वर्ट कर देगा, 9 वोल्ट एसी कम कर दिया। अब 9 वोल्ट एसी इतना कम है कि हम इसको हाथ से छू सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, और इसको हम मेजर कर सकते हैं। तो इसको क्या करना पड़ेगा, पहले 200 वोल्ट एसी ये जो साइन वाला है उसमें नॉब में रखेंगे मल्टीमीटर को, और इसमें पॉलरिटी रहती नहीं है, प्लस माइनस एसी बताना चाहिए। बिना निकाले भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए, दो जो प्लस है, ये जो दो रिंग वाला है यहाँ से आपको पॉजिटिव मिलेगा, और दो जो ब्लैक वाला साइड है ये वाला, ये यहाँ से निगेटिव मिलेगा। तो एक अब ये 9 वोल्ट जो एसी है इसमें चार डायोड हमने ब्रिज लगाया, क्योंकि दो वायर है इसमें, अगर यहाँ पे तीन वायर रहता सेकेंडरी पे तो यहाँ पे हम दो डायोड से फुली रेक्टिफायर बना सकते थे, लेकिन अगर ट्रांसफार्मर दो सेकेंडरी वायर के साथ आ रहा है तो इसमें हम चार डायोड लगा सकते हैं। चार डायोड को हम लोग बोलते हैं ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर में चार डायोड लगता है, और ये पावर सप्लाई के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा ज़रूर होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि डायोड ज़्यादा होता है तो इसमें हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और इसी वजह से डायोड बनेगा। और डीसी बनेगा तो हम इसको नॉब को चेंज कर देते हैं, क्योंकि 9 वोल्ट है तो आप हायर से लोअर की तरफ चेंज कर सकते हैं। चूंकि मुझे पता है तो मैं 20 वोल्ट पे डायरेक्ट रख लेता हूं। अगर ये ज़्यादा बताएगा, दैट मीन 1 बताएगा, तो हम नॉब को हायर रेंज पर ले जाएंगे। देखिए, ये कैपेसिटर का माइनस वाला पोर्शन है, उसमें ब्लैक लीड को रखते हैं और दूसरे लीड को, तो देखिए ये 8 बता रहा है, एक्चुअल में लोड है इसलिए, और ये लगभग 9 वोल्ट की सप्लाई है। अब यहाँ से जो 9 वोल्ट आपको मिल रहा है, और 9 वोल्ट के बाद हमने एक रेगुलेटर लगा के रखा हुआ है। रेगुलेटर यहाँ पर आप 78L05 भी लगा सकते हैं, लेकिन तीन लगाना पड़ेगा उस कंडीशन में। सीरीज की यानी पॉजिटिव सप्लाई की ऐसी कोई भी लगा सकते हैं, क्योंकि 5 वोल्ट पे पूरा आगे रन होने वाला है, ठीक है, आप प्रोसेसर को भी 5 पे रन करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर एक रेगुलेटर भी लगा सकते हैं। उन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन लगा सकते हैं। पहले यहाँ रेगुलेटर आईसी लगा हुआ था, ट्रांजिस्टर जैसा दिखता है छोटा छोटा, वो लगा हुआ था, देख रहे हैं आप, थोड़ा ब्लैक दिख रहा होगा। मैंने इससे पहले एक वीडियो भी बनाया था जिसमें इसको रिप्लेस किया था, और ये ख़राब हो गया था, इसको रिप्लेस करके मैंने डायरेक्ट आईसी लगा दी। अब यहाँ पर ये जो बीच वाला है वो ग्राउंड होता है, फर्स्ट वाला पिन 1 इनपुट होता है, पिन 3 जो है वो आउटपुट। तो ग्राउंड पर अगर हम इस प्रकार से लगा दें, इनपुट पे हम चेक करेंगे तो देखिए 8.78 ऐसा लगभग 9 वोल्ट का सप्लाई है, और आउटपुट पे कांस्टेंट 5 मिलना चाहिए, देखिए 5.05 मतलब 5। तो ये यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा, देखिए यहाँ पर भी 5 मिल रहा है, यहाँ पर भी 5 के आसपास मिल रहा है, बाकी यहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूट होना चालू हो जाएगा। अब ये जितने भी D7 सेगमेंट डिस्प्ले है ये सारे जो है 5 वोल्ट पे रन करेंगे। आपका जो प्रोसेसर है, CPU जो है GC68B30 जो प्रोसेसर है, ये क्रिस्टल है,
और ये क्रिस्टल के ख़राब होने से भी जो कुछ कुछ डिस्प्ले जो है प्रॉपर नहीं आता है, ठीक है। तो या तो इन ट्रांजिस्टर पे हम सबसे पहले ट्रांजिस्टर पे सप्लाई चेक करेंगे, ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर है जो इन सारी चीज़ों को रन कर रहा है। ग्राउंड पे हम इसको लगा देते हैं और यहाँ से हम वोल्टेज चेक करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सप्लाई है 4 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पर भी 4 वोल्ट, मतलब यहाँ पर जो है वो कलेक्टर पे हमने दिया रेजिस्टेंस के थ्रू, इसके कलेक्टर पे दे रहे हैं ट्रांजिस्टर के, तो यहाँ पर 4 वोल्ट आ रहा है। और बेस पे जो सिग्नल है वो प्रोसेसर से जाएगा, वो लगभग 0.1 से लेकर 0.7 वोल्ट के बीच में रहता है। आउटपुट जो है 1 के आसपास आना चाहिए, 1 या 2 वोल्ट के बीच में होना चाहिए। देखते हैं कितना आता है वोल्टेज, ये वोल्टेज आ रहा है 1.36, ठीक है। दूसरे ट्रांजिस्टर पे देख लेते हैं 1.26। तो इसी प्रकार से सारे ट्रांजिस्टर पे वोल्टेज हमको मेजर करना है 1.25, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अगर इसमें से कोई भी वोल्टेज में डिफेक्ट हो तो इसमें से कोई भी एक जो डिजिट है वो शो नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि इसमें ये दिख रहा है, ये इसमें 7 होता है, 1 2 3 4 5 6 7, इसीलिए इस डिस्प्ले को 7 सेगमेंट डिस्प्ले कहा जाता है। 7 LED का एक समूह होता है, ग्रुप होता है। ये डॉट को छोड़ देते हैं तो काउंटिंग में ये 7 में आता है। देखिए ये ऊपर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे 7 सेगमेंट डिस्प्ले है अलग अलग साइज़ के, और ये अलग अलग साइज़ के हैं। तो ये कॉमन कैथोड और कॉमन एनोड दोनों टाइप से आते हैं। इसमें जो नंबर्स होता है उसी नंबर्स के अकॉर्डिंग आप मार्कर से इसको परचेस कर सकते हैं। जैसे इसमें अभी 8 दिख रहा था, ये 0 आया, 2 3 4 5 6 7 8, 8 में सारे डिजिट जल रहे हैं। तो अगर इसमें से कोई एक डिजिट नहीं जलता, इसका मतलब ये है कि केवल यही जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है वो ख़राब हुआ है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। तो आप उस कंडीशन में इसको चेंज कर सकते हैं। और चूंकि ये सारे सेम टाइप के हैं, तो अगर आप मार्केट से कोई एक भी लेके आते हैं और उसको चेक करने के लिए आप लगा कर चेक कर सकते हैं, अगर उस कंडीशन में भी नहीं जलता है नया लगाने से, तब आप वोल्टेज वोल्टेज और जो रजिस्टेंस है उसको प्रॉपर कंडीशन पर रजिस्टेंस कोड के हिसाब से चेक करें। और सबसे पहले तो आपकी ये जो 5 यहाँ पर जो लगे हुए हैं ये मेन है ट्रांजिस्टर को आप निकाल कर चेक कर सकते हैं। अगर कोई वोल्टेज आपको रिएक्शन दिखता है या डाउट होता है तो ट्रांजिस्टर को चेंज करने से ये सप्लाई ठीक हो जाएगी। अगर ट्रांजिस्टर को चेंज करने से या 7 सेगमेंट को चेंज करने से ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि या तो कहीं से ट्रैक जो नीचे लाइन्स गई है इसकी वो गिरने की वजह से, या फिर वो ट्रैक कभी कभी क्या होता है हम चेंज करते हैं वॉल पे तो वो ट्रैक ओपन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी वो उसको हमको पीछे ट्रैक को इस प्रकार से आप बजर राउंड में रख लीजिए, बजर की साउंड आनी चाहिए। अगर आप इस प्रकार से ट्रैक कहीं पर भी जैसे ट्रैक को आप चेक कर रहे हैं ऐसा, तो अगर वो ट्रैक सही है तो बजर का साउंड आना चाहिए। अगर वो ट्रैक सही यहाँ से यहाँ आप चेक कर रहे हैं और साउंड नहीं आ रहा है, मतलब वो ट्रैक आउट हो सकता है, तो आप एक जम्पर लगा सकते हैं। इन 3 कंडीशन से, यानी जम्पर ट्रैक को चेंज करने से या ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस चेंज करने से या 7 सेगमेंट डिस्प्ले करने से चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब CPU ही खराब हो गया है। तब उस कंडीशन में आपको कोई पुराना अगर आपके पास हो या मार्केट से मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है, तो आप इस नंबर पे देखिए, CPU जो है उसका नंबर है GC68B30, ये इसका नंबर है। आप ये नया लगा सकते हैं और उसके बाद ये आपका जो डिजिटल वॉल क्लॉक अजंता का है वो काम करने लगेगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। चाहूँगा कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि और लोगों तक ये मिल सके। तो मेरे एक व्यूअर ने कहा था कि
कुछ कुछ डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो क्या करना चाहिए, तो मैंने उसको कमेंट भी किया था, लेकिन वो चाहते थे कि मैं एक वीडियो बनाऊँ, तो ये इसको मैंने ओपन करके आज एक वीडियो बनाया। तो थैंक यू दोस्तों।